जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से इनका ये कहना है कि मुस्लिमों के घरों को उजाड़ा गया है, इस पर इनका एतराज़ है। इस वक्त नौशाद मेरे साथ है, आयसा के लीडर हैं आप, क्या और एतराज़ क्या जता रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बुलडोजर एक्शन पर रोक भी लगा दी है। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जो बिना किसी गुनाह साबित हुए सिर्फ वाला ये पत्थर चलाया था, उस पर FIR हुआ तो घर डरा दे रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों है? आप उस प्रक्रिया में क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली में भी हमने देखा जो जहांगीरपुरी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप इनको ढा नहीं सकते, इनके घरों को, फिर भी 2 घंटे तक घरों को ढाया गया। क्यों ढाया गया? क्योंकि मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत है। नौशाद, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मामलों में JNU या फिर जामिया के स्टूडेंट्स ही एतराज़ जताते हैं, जबकि मुझे लगता है कि छात्रों का मकसद तो पढ़ाई होना चाहिए, इस तरह के मुद्दे पे क्यों? सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए क्या? देश में नफरत जो बढ़ रही है, यहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा जो निकल रहा है रामनवमी के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे, वहाँ लाठी डंडे तलवार ये सब निकाल के एक धर्म विरोधी नारे लगाया जा रहा है, क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या इंसानियत की बात नहीं करेंगे? क्या किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर जुल्म होगा तो हम खामोश रहेंगे? क्या हम उनमें से नहीं है? हम इंसानियत की बात करते हैं। आपको लगता है वहाँ किसी एक कम्युनिटी को टारगेट? एकदम बिल्कुल एक कम्युनिटी को टारगेट किया। देखिए ना, छह लोगों पे जिन पे NSA लगाए वो किस कम्युनिटी के लोग हैं? वो मुसलमान ही तो हैं। अब ये भी देखा गया कि मस्जिद पे जबरदस्ती भगवा झंडा लहराया गया था, वो लोग कहाँ हैं? उन पे NSA क्यों नहीं लगाया गया? दिल्ली दंगे के देख लीजिए, उदाहरण है, सारे मुसलमानों पे UAPA लगाया गया, वो लोग कपिल मिश्रा कहाँ हैं? रागिनी तिवारी कहाँ हैं? खुलेआम घूम रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं, उनका ट्विटर हैंडल खोल के देखिए, एक धर्म के खिलाफ नफरतें चल रही है। तो एक धर्म के खिलाफ नफरत चल रही है ये दावा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संगठनों का, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बुलडोजर एक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इस पर इनका एतराज़ लगातार कायम है, और इसी को लेकर इनका प्रदर्शन भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जारी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।